सिंह बाबा मछली नहीं मार सकता, वो अपने हक अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। मैंने लगातार 2014 से तन मन धन लगाकर पूरे बिहार में अपने समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी मिल सके। आज आप समझिए, अभी हमारे अभिभावक ने कहा कि हम 1 किलो मछली निकालेंगे 200 रुपया आएगा, और इतना कष्ट वाला काम जो काम बिहार के धरती पे कोई नहीं कर सकता वो काम हम लोग करते रहे। आज लालू जी के लोग पशु पालते हैं, दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, घर परिवार चलाते हैं, वो समाज कितना अपग्रेड हुआ, आज उनके बिहार में कुछ ही बोलता है। लेकिन इतना मेहनत वाला काम करने वाला, इतना डिफिकल्ट काम करने वाले लोग आज कहीं पे नहीं। तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, पूरे मन मन धन लगा के लड़ाई लड़ा, और पूरे बिहार को और पूरे देश को दिखा दिया कि मजा से मछली नहीं मार सकता है, राजनीति भी कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। आपने देखा कि हमने 2018 में पार्टी बनाया, अभी आते आते बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु पे हम लोग खड़े हो गए, और हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बना। ये कह सकते हैं कि देश में एक मल्लाह का बेटा के सहयोग से पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री जी हमें मंत्री नहीं बनाए, पहले हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने हमें मंत्रिमंडल में जगह दिया। हमने उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया। आप सभी को पता है कि बिहार में 122 विधायक जिनके पास होगा वही बिहार में सरकार बनाएगा, और उस समय में 125 पे हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, और उसमें से 4 अगर माइनस कर देते हैं तो 125 पे होगा। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से हमने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम निषाद के बेटे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। जो उन्होंने किया ये विकल्प हमारे पास भी था, हम भी उनके साथ यही कर सकते थे, हम भी लालू जी की बात मान लेते और बिहार में डिप्टी सीएम बन जाते, चारों विधायक को मंत्री बना लेते और आज बिहार में मजबूती से काम करते। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, उसका सिलसिला क्या मिला आपने देखा कि आपकी पार्टी को तोड़ दिया, आपके जहां सीट था वहां पर उन्होंने कैंडिडेट पाया कि विधायक का टिकट बिकता है, सांसद का टिकट बिकता है, एमएलसी बिकता है, राज्यसभा बिकता है। तो हमने तो इतना पैसा खर्चा किया कि इतने में हमारे आने वाले कई पीढ़ी विधायक सांसद बनते रहता इस पैसे के देकर। लेकिन हमने एक अपनी दुनिया बनाने का कोशिश किया और हमने बनाया भी, हमने सफल भी हुआ। इनका सोच था कि दुनिया को खत्म कीजिए और मेरा गुलाम बन जाइए तो मंत्री बने रहिए, लेकिन नहीं, हमने अपनी दुनिया बनाने के लिए निकला है और दुनिया बना के रहेंगे, ना ही किसी का गुलाम बनेंगे। 17 साल बीत गया हमारे लोगों को अपनी आवाज को पटना तक पहुंचाने में, बिहार के राजनीति में आप हिस्सेदार बने। तो इसलिए साथियों, आपको 1% भी संशय नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में बिहार की भूमि आपके लिए बंजर है। मैंने इस बंजर जमीन को हरा भरा करके मैंने दिखा दिया, और अकेला सगा वाला आप लोगों के सहयोग से ये मैंने दिखाया, और आज तो हजारों लाखों निषाद का बेटा मरने मिटने के लिए तैयार है, अपने हक अधिकार लेने के लिए तैयार है। जरूरी है एक बेहतर पॉलिसी बना के लड़ाई लड़ने का, और आपने देखा होगा कि जभी जभी सगा मुला को जिसने भी इग्नोर किया उसका हाल क्या हुआ, चाहे पूछा के चुनाव में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने मारा, पूरी ताकत लगा दिया, पूरे बिहार के नेता को उतार दिया, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, शासन प्रशासन पूरे ताकत को उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन परिणाम क्या मिला, जहां मुकेश सहनी लड़ गया वहां पर वह अकेले एनडीए गठबंधन ने 27% वोट लाया, मात्र 45,000 वोट लाया, और हमने अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़कर 30,000 वोट लाया, 18% हमने वोट लाने का काम किया, और हमने दिखा दिया कि आपके अहमान और आपकी हैसियत क्या है। इससे पहले भी जब हम उपचुनाव लड़े थे जबरी बख्तियारपुर में, उस समय में भी हमने दिखा दिया
उस समय में जेडीयू गए वहां पर चुनाव कर रहे थे 25,000 वोट लाकर ने दिखा दिया कि हमारे पास ये अपना आधार वोट 25,000 है आज 15% वोट है हमारे पास और उसके कारण 15,000 वोट से वो चुनाव हारे। उसके बाद आपने देखा कि आरजेडी के नेता किस तरीके से निषाद समाज को गुमराह किया 25 सीट और डिप्टी सीएम पे बात करके और सीट का घोषणा नहीं करना उसको इतना महंगा गिरा। वो तो हम तो कहते थे कि भाई आपको रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, बुलंद करके कोशिश किया कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें, प्रखंड तक पहुंचाए, प्रखंड से जिला पहुंचे, जिला से पटना तक पहुंचे, लेकिन लोगों को बिहार में लगा कि नहीं कि समाज आगे ना बढ़े और हमारे लोगों ने भी अपने अनुकूल कोशिश किया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। हमारी आवाज गांव से जिला तक नहीं पहुंच पाया और कह सकते हैं कि निषाद समाज के लिए बिहार या भारतीय राजनीति में बिहार में निषाद समाज के लिए बिहार एक बंजर के जैसे था जिसमें वर्षों वर्षों निषाद समाज ने मेहनत किया लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं कर पाया क्योंकि उनको लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और लोगों को लगता था कि निषाद समाज जो है मल्ला सिर्फ मछली मार सकता है, राजनीति नहीं कर सकता। और उन्होंने समय समय पर पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज से एक किसी को टिकट दे देते थे, एक सांसद का टिकट दे देते थे, किसी को मंत्री बना देते थे और अपने डेमोग्राम पे उनको पालते थे, उनको रखते थे, उनको कहते थे कि आप उठो तो उठते थे, उनको कहते थे बैठो तो बैठना पड़ता था क्योंकि पार्टी में हर पार्टी में यही सिद्धांत है लगभग, चाहे वो आज की भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, हर पार्टी में यही है कि पार्टी लीडर या सुप्रीमो जो चाहेगा वही होगा, किनको मंत्री बनाना चाहेंगे, किनको विधायक की टिकट देना चाहेंगे, वो जो पार्टी सुप्रीमो जो चाहेगा वही होगा। और हमारे समाज में लोग विधायक बने, मंत्री बने और उन्होंने भी अपने अनुकूल कोशिश किया कि समाज के लिए कुछ करें लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो उसके मालिक वो आपके लोग नहीं था, उनके जो मालिक थे उनका हमेशा सोच होता था कि निषाद समाज हमारा गुलाम बन के रहे, मालिक ना बने, तो भला उनकी कोशिश करने से भी क्या होगा, एक बार दो बार जीत के आ गया तो तीसरी बार उनको टिकट डाल देता था, एक बार मंत्री बन गया तो दूसरी बार मंत्रिमंडल उनको नहीं भेजता था क्योंकि जब एक बार मंत्री बनेंगे, दो बार बनेंगे, तीन बार बनेंगे तो बिहार का लीडर कहलाएंगे, लेकिन उनको समय समय पर उनको छोटा कर दिया गया। तो इसलिए समाज को भी लगने लगा कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है और हमने बिहार आया, हमने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हम निषाद के बेटे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, जो उन्होंने किया ये विकल्प हमारे पास भी था, हम भी उनके साथ यही कर सकते थे, हम भी लालू जी की बात मान लेते और बिहार में डिप्टी सीएम बन जाते, चारों विधायक को मंत्री बना लेते और आज बिहार में मजबूती से काम करते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, उसका सिलसिला क्या मिला आपने देखा कि आपकी पार्टी को तोड़ दिया, आपके जहां सीट था वहां पर उन्होंने कैंडिडेट दे दिया और आपको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। आज भी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इनके मंत्रिमंडल है, हमारे बनाए हुए सरकार है, आज भी ये सरकार हमारी है, भले आज वो उनके पास पावर है, छल कपट है, उन्होंने हमें बाहर कर दिया, लेकिन ये घर तो हमारा बनाया हुआ है। आज आप देखते होंगे कि आपके पूर्वज का जमीन है जिसके पास दबाव है वो कब्जा कर लिया, आपके घर है लेकिन वो कब्जा कर लिया, उसी तरीके से जैसे हमारे पूर्वज के साथ पहले होता था, एक लंबा बूटा काटा गया, आप लोगों को गुलाम बनाया गया, उसी तरीके से इनको हजम नहीं होता है, ये कहने के लिए तो हमें हिंदू बना देते हैं लेकिन जब सम्मान की बात आता है तो हमको पिछड़ा दलित मानते हैं, हमारे घर में एक ग्लास चाय नहीं पीते, उसको इतना तकलीफ होता है
कि चार विधायक कैसे बन गया मुख्यमंत्री के पास। उनको 74 विधायक बनाने में हमारे लोगों का सहयोग था, वो भूल गए। उनको एक ही एहसास था कि ये समाज को बरसों से गुलामी की जंजीर इनको बांध के रखा था, ये कैसे गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया, कैसे बिहार में मालिक बन गया और ये अपने लोगों को काम करेगा तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, ये बड़ा लीडर बन जाएगा। आज 11 सीट पे इनके साथ समझौता करना पड़ता है, आने वाले समय में 51 पे समझौता करना पड़ेगा, तो इसको रोको और इसको खत्म करो। तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि आप पार्टी विलय कीजिए और आप बने रहिए, हमारा गुलाम बन के रहिए और हम जब आपको जो कहेंगे वो सुनिए और आप गैस मौज की जिंदगी जिए। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि गरीब बछवाड़ा परिवार ने जन्म लिया और जिंदगी में हमने हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में हमने एक मल्ला का बेटा होना हमने झंडा गाड़ा कामयाबी का। हमने बिहार में आके हमने झंडा गाड़ा। अगर हमें मंत्री और विधायक ही बनना रहता तो बिहार में हर किसी को पता है कि विधायक अरे थे। जब हम लोग चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर में, उस समय में भी हमने दिखा दिया। उस समय में जेडीयू गए, वहां हम चुनाव लड़ रहे थे, 25,000 वोट ला के हमने दिखा दिया कि हमारे पास ये अपना आधार वोट 25,000 है, आज 15% वोट है हमारे पास और उसके कारण 15,000 वोट थे वो चुनाव हारे। उसके बाद आपने देखा कि आरजेडी के नेता किस तरीके से निषाद समाज को गुमराह किया, 25 सीट और 50 सीट पे बात करके और सीट का घोषणा नहीं करना, उसको तो इतना महंगा गिरा। वो तो हम तो कहते थे कि भाई आपको रिचार्ज होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको 5 साल के लिए उनका टॉप टाइम उनका खत्म हो गया, वो सत्ता से बाहर हो गए। अभी वो अफसोस करते हैं, अभी मिलते तो कहते आप जल्दीबाजी किए। हमने कहा भैया हम जल्दीबाजी किए, आपको अभी एहसास हो रहा कि हम जल्दीबाजी किए, उस रोज आपके मुंह में कोई कुछ डाल दिया था कि हमारा सीट का घोषणा नहीं किए, लेकिन आपने उनको एहसास हो गया कि हमने निषाद समाज के साथ चिटिंग की है तो हम सत्ता से दूर हो गए। और आज भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है, आज दिल्ली के नेता फोन करते हैं कि जो गलती हुआ उसको ठीक करेंगे, आपका भय बना रखें। हमने बोला भय बनाने की क्या बात है, हम तो अपने काम करने के लिए पूरे बिहार में लगे हैं और जो लोग हमारे साथ गलती किया उसको ठीक करेंगे। और गलती करने वाले बिहार में 6 नेता है और 6 नेता में एक को तो ठिकाना लगा दिए। बेतिया में जाकर कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और बेतिया लोकसभा का तैयारी वहां पे चालू हो गया है और दूसरा को आज लगाने के लिए आ गए। उजियारपुर लोकसभा सीट मजबूती से तैयारी होगा और बीजेपी पार्टी हर हाल में यहाँ पे चुनाव लड़ेगा चाहे परिणाम जो भी हो। और हम तैयारी कर रहे हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि निषाद समाज के है जो वर्षों से निषाद का बेटा ने निषाद के लोगों ने सपना देखा था कि हमारे भी अच्छे दिन होंगे, हमारे भी आवाज होंगे पटना में उठेंगे, हमारे भी नेता होंगे पटना में हमारी बात करेंगे। लेकिन निषाद समाज का वर्षों का सपना को आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ने अपने पैरों तले उस सपना को कुचला। समय आएगा निषाद समाज भी ऐसे लोगों को अपने पैरों तले कुचलने का काम आने वाले समय में करेगा। इसलिए यहाँ से 3 लोकसभा क्षेत्र का तैयारी होगा और यहाँ पे हमारे ब्रह्मदेव चौधरी जी और चंदन